वैसे कई लोगों को हमेशा थकान रहती है, पूरे दिन सुस्त दिखते हैं। हो सकता है कि वो अपनी डाइट में चीनी बहुत ले रहे हो। डॉक्टर साहब ये बताएं कि शरीर में सुस्ती दिखे तो क्या ऐसा खाएं कि ऊर्जावान महसूस कर सके। देखिए बिल्कुल चीनी ज्यादा खाना एक कारण हो सकता है, या बहुत ज्यादा आप गरिष्ठ भोजन हैवी खाना खाते हैं, तली हुई चीजें बहुत खाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है कि यदि आपका भोजन ठीक से पचेगा नहीं तो क्या बनेगा, आम बनेगा। और आम जो है वो बॉडी के अंदर जा करके जमा होगा, आपके चैनल्स को ब्लॉक करेगा और फिर आपके बॉडी के अंदर सुस्ती रहेगी, क्योंकि आपको एनर्जी मिली नहीं, पूरा खाना आपका पचा नहीं और टॉक्सिन ज़्यादा बन गए। तो आम पाचक चूर्ण बहुत बढ़िया है, हम इसका फार्मूला भी अक्सर बताते हैं। सौंठ, जीरा और धनिया 10-10 ग्राम, पुदीना और सौंफ 20-20 ग्राम, ये सब मिला करके एक चूर्ण बनाइए, बहुत अच्छा है। कभी कभार लैक ऑफ एक्सरसाइज सुस्ती का कारण होता है, डाइट आपकी ठीक चल रही है, एक्सरसाइज नहीं करते, दिन भर बैठे रहते हैं, थोड़ा सुबह टहलिए, एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेचिंग करिए, तिल के तेल से मालिश करिए, उससे भी एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा। और यदि कोई डीपर लेवल है, कभी कभार कोई फैटी लीवर हो गया आपको, फैटी लीवर को बहुत ईजीली लोग लेते हैं, इसको ईजीली मत लीजिए। फैटी लीवर यदि है तो तुरंत जीवा में संपर्क करिए, हमने पूरा इसका एक प्रोटोकॉल तैयार किया, क्योंकि ये आगे जाके डायबिटीज़ और अनेक प्रकार के रोग आपको संकेत हैं कि हो जाएंगे, ओबेसिटी भी हो जाएगी आपको, तो उसको तुरंत इलाज करना चाहिए। उसके कारण भी जो है भूख नहीं लगती, कई बार खाना ठीक से नहीं पचता है, सुस्ती बनी रहती है, नींद सी आती रहती है, ऐसे कोई भी लक्षण आपको बॉडी में लगे उसको नज़रअंदाज नहीं करिए, सेहत का नंबर घुमाइए, डॉक्टर से बात करिए और उसका प्रॉपर आयुर्वेदिक उपचार आप करिए।